आज का लेक्चर है निमोनिया। निमोनिया मेडिसिन में भी है, पैथो में भी है, तो हम दोनों का मिक्स लेकर चल रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, निमोनिया जितना हमने सुना होगा, अभी कोरोना के टाइम पर भी हम सुन रहे होंगे कि मोस्टली स्टार्टिंग में कोरोना के जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो एज निमोनिया दिख रहे थे। सो लेट्स स्टडी कि निमोनिया है क्या। ओके, सो निमोनिया एक तरीके से लंग की डिजीज़ है, करेक्ट। इट इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज, लंग डिजीज, राइट। एंड इफ वी गो थ्रू अ प्रॉपर डेफिनेशन, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से अगर निमोनिया को हम बोलना चाहें तो कहेंगे कि डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा और लंग पैरेन्काइमा, सेम थिंग, राइट, ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा। हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। निमोनिया का हम क्लासिफाई करते हैं एज अ नेजोकोमियल। नेजोकोमियल में आ जाते हैं जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो जो, सो नेजोकोमियल में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया उन पेशेंट्स में देखा जाता है जो अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं या फिर ऐसे कोई भी लॉन्ग टर्म केयर कंडीशंस में नहीं रहे हैं, है ना। मतलब अगर वो 14 डेज तक कोई भी हॉस्पिटल में या फिर कोई भी केयरिंग फैसिलिटी में नहीं रहे हैं और उनके बाद उनको निमोनिया हो रहा है, तो दैट इज़ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इज डिफाइंड एज ए निमोनिया दैट अकर्स फोर्टी एट आवर्स और मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन या आफ्टर एडमिशन इन द हॉस्पिटल। ओके, विच वॉज नॉट इंक्यूबेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस मीन्स कि अगर कोई पेशेंट को जब हॉस्पिटल लाया गया था, अगर उस टाइम उसमें निमोनिया नहीं था, लेकिन आफ्टर स्टेइंग फॉर 2 डेज और मोर देन 2 डेज हॉस्पिटल में रहने के बाद उसको निमोनिया होता है, तो दैट इज़ नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। सो निमोनिया कब होगा? जब किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, करेक्ट। सो इट इज़ डिफाइंड एज निमोनिया दैट अराइजेस इन मोर देन 48 to 72 आवर्स आफ्टर एंडो ट्रेकियल इंट्यूबेशन। सो जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा गया है 2 to 3 डेज से ज़्यादा, अगर उनमें निमोनिया हो रहा है, तो दैट इज़ द वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। एंड लास्ट इज़ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। ओके, दिस वाज़ द वन क्लासिफिकेशन टाइप, है ना। तो
तो वो था नेसोकेमियल इन्फेक्शन. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है. इट कैन बी टिपिकल और एटिपिकल. वी गोना फर्स्ट स्टार्ट विद द टिपिकल निमोनिया. टिपिकल निमोनिया मोस्टली देखने को मिल जाता है. ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से मोस्टली टिपिकल निमोनिया ही मिलता है. ओके, सो इट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ओके, एंड अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि पर्टिकुलरली हम कैसे पहचान कर सकते हैं टिपिकल निमोनिया, कि इसमें दो फीचर्स होते हैं कि एक तो एल्वियोलर एक्जुडेट प्रेजेंट होगा एंड साथ में न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे. राइट, सो सिंपल तरीका याद करने का, अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी इम्यूनाइज होगी, उनके अगेंस्ट एक्ट करेगी. करेक्ट, तो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी तो वो लंग्स में न्यूट्रोफिल्स भेजेंगी. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भेजेगी तो इसलिए हमें न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, न्यूट्रोफिल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी एंड साथ में एक्जुडेट मिलेगा. ओके, नॉन प्रोटीन फॉर्म जो कैपिलरी से निकल रहा है प्लाज्मा. ओके, सो इट विल बी एल्वियोलर एक्जुडेट प्रेजेंट एज वेल एज द न्यूट्रोफिल विल बी प्रेजेंट. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो होता है हाई ग्रेड फीवर. अगर फीवर जो है मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज हाई ग्रेड फीवर. ओके, एंड ये सिर्फ और सिर्फ टिपिकल निमोनिया में ही पाया जाता है. ओके, सेकंड क्या होगा, क्योंकि अब इसमें एल्वियोलर एक्जुडेट प्रेजेंट है बॉडी में तो वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आना चाहेगा, एज अ कफ वो बाहर आएगा. इसलिए ए टिपिकल निमोनिया में हमें कंडीशन क्या मिलती है, प्रोडक्शन कफ प्रेजेंट मिलता है, प्रेजेंट ऑफ प्रोडक्शन कफ. साथ की बात करें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो प्लूरा पे भी जाएगा तो उसकी वजह से प्लूराइटिस हो सकता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन या ओनली कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है क्लिनिकल फीचर टिपिकल निमोनिया में, दैट इज द साइंस ऑफ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में या लंग्स में एक तरीके से एक्जुडेट प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना. तो एक्जुडेट प्रेजेंट होने की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा और जो फॉर्मेशन हो रही होगी लंग्स की, वो कंसोलिडेशन कहलाएंगे, मतलब सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा लंग्स का. ओके, सो कंसोलिडेशन वाई ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लंग्स. ओके, सो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स. हाई ग्रेड फीवर होगा, प्रोडक्शन कफ प्रेजेंट होगा, प्लूराइटिस हो सकता है एंड साइंस होंगे कंसोलिडेशन के. अब ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम टिपिकल निमोनिया को भी दो में डिवाइड कर सकते हैं. इट कैन बी ब्रोंको निमोनिया और लोबर निमोनिया. जैसे इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज दिखेगी आपको. ब्रोंको निमोनिया में जैसे हमें दिख रहा होगा कि लंग्स के ये लोब्स है, तीन लंग्स तीन लोब्स में डिवाइडेड है और आपको बेसल में कुछ पैची अपीयरेंस सा दिखेगा ब्रोंको निमोनिया में. सो हम इसका पहचान कैसे करते हैं, पैची अपीयरेंस से. ठीक है,
एंड नाउ क्या होगा कि जब ये एग्जुडेट्स जो भी प्रेजेंट होगा तो वो अपर लोब में भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशन की वजह से ये लोअर लोब्स में आ जाएगा, इसलिए ये मोस्टली बेसल होते हैं। एंड ये एक लंग से दूसरे लंग में भी जा सकता है, सो इसलिए ये बायलेटरल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लंग इन्वॉल्व हो, दो लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सो इट कैन बी बायलेटरल। ओके, इसलिए क्योंकि पैची अपीयरेंस है तो अपन कह सकते हैं कि कौन सा कंसोलिडेशन है, पैची कंसोलिडेशन है। अब अगर हम बात करें लोबर निमोनिया की, सो हमें दिख रहा होगा एक तरीके से कि इस लंग के एक एंटायर लोब पे पिंकिश कलर हो रखा है, मतलब शो करना चाह रहा है कि पूरा एंटायर लोब जो है वो कंसोलिडेट हो चुका है, सॉलिडफाई हो रखा है। ठीक है, तो इसलिए अगर इन्फेक्शन जो है पूरे लोब में हो रहा है, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज दी लोबर निमोनिया। सो इन्वॉल्व्स एंटायर निमोनिया, एंटायर लोब, इसलिए इसका नाम क्या है, लोअर निमोनिया, क्योंकि जो एक पूरा एरिया है, जो एक पूरा लोब है वो इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो बट दिक्कत क्या है कि लोअर निमोनिया जो है वो दूसरे लंग में नहीं फैल सकता है। ठीक है, ये एक जगह ही रहेगा, एक ही लंग में होगा, इसलिए ये यूनिलेटरल है। एंड वही अगर इसमें पैची कंसोलिडेशन था ब्रोंको निमोनिया में, तो लोबर निमोनिया में क्या होगा, एंटायर लोब कंसोलिडेशन। ओके, नाउ वी कम टू द स्टेजेस ऑफ निमोनिया। क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ स्टेजेस देखने को मिलेगी निमोनिया की, एंड ये मोस्टली हम लोबर निमोनिया में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेज है कंजेशन। कंजेशन से हम समझ सकते हैं कि जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, कंजेशन हो जाता है उस तरीके से। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो एंगॉर्जमेंट हो जाए उनका, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी फ्लूइड है ना, वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर आने लगेगा, एग्जुडेट फॉर्म होने लगेगा। इसलिए कंजेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वेस्कुलर एंगॉर्जमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंट्रा एल्वियोलर फ्लूइड। ठीक है, और हमने वैसे ही बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है टिपिकल निमोनिया की, उसमें एग्जुडेट फ्लूइड होगा, राइट, एंड साथ में क्या होगा, बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरिया होंगे तो न्यूट्रोफिल्स होंगे। सो इसमें एल्वियोलर फ्लूइड में क्या क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे एंड साथ में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये था कंजेशन। अब हम आते हैं रेड हेपेटाइजेशन। रेड हेपेटाइजेशन इसलिए बोला गया है कि जब उस एल्वियोलर फ्लूइड में प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी भी आने लगे। ओके, अगर आरबीसी भी लीक होने लगे एल्वियोलर फ्लूइड में, तो उसका जो कलर होगा, एक तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेड हेपेटाइजेशन। सो आरबीसी प्रेजेंट ड्यू टू लीकेज इन एल्वियोलर फ्लूइड, एंड साथ में क्या होगा, आरबीसी के साथ साथ फिब्रिन भी प्रेजेंट होगा।
फिब्रिन भी प्रेजेंट होगा एंड न्यूट्रोफिल्स भी तो होंगे ही होंगे। सो इसकी वजह से जो हमें एक तरीके का कंजेशन मिलेगा, इट वुड बी लाइक अ लिवर। लिवर का जैसे होता है शेप हमें याद है, कलर हमें याद है, सॉलिड होता है एक तरीके से, तो उसी तरीके से हमें ये लंग जो होगा लोबर निमोनिया में वो कैसा मिलेगा, कंसोलिडेट लाइक अ लिवर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेड हेपेटाइजेशन। रेड ड्यू टू दी RBC एंड हेपेटाइजेशन क्यों, क्योंकि कंसोलिडेशन लाइक लिवर। ओके, या लिवर लाइक कंजेशन। सो लिवर लाइक कंजेशन ये हम ग्रॉसली देख सकते हैं। ओके, इसलिए हेपेटाइजेशन नाम है इसका। जैसे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये जो लंग है ये एक तरीके से ऐसा ही लगेगा कि लिवर हो, ठीक है, पूरा रेड हो चुका है। इसमें एक लोब भी ये दिख रहा होगा, है पूरा रेड हो चुका है RBC की प्रेजेंस की वजह से, एंड सॉलिड हो चुका है, कंजेशन हो चुका है लाइक लिवर, इसलिए इसका नाम है रेड हेपेटाइजेशन। देन वी टॉक अबाउट द ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन के टाइम तक क्या होगा कि जो RBCs थी वो टूट जाएंगी, ठीक है, तो RBC का हो गया लाइसिस, तो RBC हो रही है ख़त्म, है ना। सो कलर जो होगा वो धीरे धीरे डल होता जाएगा, पेल होता जाएगा। साथ में क्या होगा कि फिब्रिन जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, सो इंक्रीज फिब्रिन डिपॉजिशन। इसकी वजह से जो कलर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, ग्रेश ब्राउन कलर, ठीक है। जैसे इस डायग्राम पे दिख रहा है कि जो लोब है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, ग्रे कलर में हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ग्रे हेपेटाइजेशन। एंड द लास्ट स्टेज इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होगा कि अब ये जो एक्जुडेट है इसको धीरे धीरे एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी के तोड़ने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये एंजाइम्स तोड़ेंगे इन एक्जुडेट्स को, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सेमी फ्लूइड डेब्रिस बन जाएंगे। जो फ्लूइड होगा वो सेमी फ्लूइड डेब्रिस बन जाएगा, और उन डेब्रिस को कौन फेगोसाइट कर जाते हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, सो रिजोल्यूशन कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स, दे विल परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस। ओके, एंड जैसे ही एक्जुडेट ख़त्म होगा, उसका रिजोल्यूशन होगा, तो लंग जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा। ओके, सो एक्जुडेट रिजोल्यूशन, स्टोर्स नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लंग। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई, स्टेजेस समझ में आ गई। अब अगर हम डेज की बात करें, है ना, जैसे हमने कहा कि कंजेशन सबसे पहले होगा, तो जैसे ही निमोनिया कॉज होगा, सो इन 1 to 2 days कंजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, टाइटनेस से फीलिंग शुरू हो जाएगी चेस्ट में। उसके बाद रेड हेपेटाइजेशन स्टेज आती है 3rd to 4th day। 3rd to 4th day रेड हेपेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 5th to 7th days में ग्रे हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो जाएगा, एंड एट लास्ट 8 to 10 days में रिजोल्यूशन हो जाएगा, वापस से सही हो जाएंगे लंग्स। ओके, ये थे सारे स्टेजेस ऑफ निमोनिया। अब क्योंकि हमने कहा कि टिपिकल निमोनिया जो है वो कॉज हो रहा है बैक्टीरियाज की वजह से, इसलिए उनकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ना भी ज़रूरी है। सो कॉजेज ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। और इसमें जो खास बात है जो हमें जाननी है वो ये, प्रेजेंस ऑफ रस्टी स्प्यूटम,
रस्सी मतलब एक जंग कल की तरह जो कलर होता है वैसा स्प्यूटम प्रेजेंट हो तो समझ जाना कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से कॉज हुआ है। जैसे डायग्राम पे देखें तो ये जो कलर फॉर्मेशन आ रहा है दिस इज़ ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, साथ में जब हम इसकी ग्राम स्टेन करेंगे तो पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग आएगी। सो ग्राम स्टेन स्प्यूटम क्या शो करेगा, ये शोज लेंसेट शेप्ड डिप्लोकोका है। ओके, एंड जो स्ट्रेप्टोकोका निमोनिया होता है ये मोस्टली कॉज करता है लोबर निमोनिया, है ना। सो इसलिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, लोबर निमोनिया में ही देखा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, सेकेंड ऑर्गेनिज्म है स्टिफाइलोकोकस ओरियस। स्टिफाइलोकोकस ओरियस जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। मोस्टली आपको हॉस्पिटल्स में जितने पेशेंट्स को मिलेगा दैट वुड बी स्टिफाइलोकोकस ओरियस निमोनिया। ओके, एंड ये भी मोस्ट कॉमन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के हिसाब से। ये एक तरीके से सेकेंडरी निमोनिया कॉज करता है चिल्ड्रन और एडल्ट में। एंड साथ में ये एप्सेस फॉर्मेशन भी करता है, एम्पाइमा भी करता है। निमोनिया तो कॉज करता है बट उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो कौन कौन सी होती है, एप्सेस फॉर्मेशन एंड एम्पाइमा। जब ज्वेलुलर फ्लूइड होगा वो प्लूरा पे चले जाए तो उसकी वजह से एम्पाइमा कॉज होगा। ठीक है, एंड ये जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस होता है ये हमें ब्रोंको निमोनिया देता है। ठीक है, ब्रोंको निमोनिया में हम देख सकते हैं स्टिफाइलोकोकस ओरियस को। द थर्ड ऑर्गेनिज्म इज क्लेब्सिला। क्लेब्सिला जो है ये ग्राम नेगेटिव है, पहली बात जो याद रखने की है। ठीक है, तो इस पर ग्राम स्टेनिंग नहीं करनी है, ग्राम स्टेनिंग से हमें कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज करता है। साथ में ये मोस्टली देखा जाता है एल्कोहलिक्स में। ठीक है, निमोनिया कॉज करता है एल्कोहलिक्स में। एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इसमें थिक मतलब मोटा म्यूकोइड स्प्यूटम मिलता है। ठीक है, जिसकी जो अपीयरेंस होती है वो जेली की तरह होती है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, रेड करंट जेली स्प्यूटम। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है क्लेब्सिला ढूंढने की। लाइक इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये एक तरीके से जेली अपीयरेंस देता है ना। रेड कलर का होगा, थिक होगा, म्यूकॉइड स्प्यूटम होगा, इसलिए इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, क्लेब्सिला। ठीक है, फिर हम आते हैं हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा को कंफ्यूज नहीं करना है इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ। ओके, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज अ बैक्टीरिया, ये भी ग्राम नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर स्टेनिंग करने से कोई मतलब नहीं है। कौन सी स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग करने से। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंस होते हैं डेंस फिब्रिन रिच एक्सुडेट। ठीक है, तो इसमें डेंस फिब्रिन रिच एक्सुडेट होता है जिसमें क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स, जैसा हमें पता ही था, है ना, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। एंड जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है ये मोस्टली किस में, कौन से टाइप ऑफ उसमें देखा जाता है, एज ग्रुप में, चिल्ड्रन में देखा जाता है। एक तो ये मोस्टली निमोनिया जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हुआ,
और साथ में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में। डन। द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज श्यूडोमोनास। श्यूडोमोनास जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है एंड ये उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनमें कंडीशंस क्या हो, या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो और या तो वो इम्यूनोकम्प्रेस्ड हो और बर्निंग हिस्ट्री हो उनकी कोई, ठीक है। सो इनमें हमें श्यूडोमोनास देखने को मिलेगा एंड द लास्ट बैक्टीरिया जो कॉज करता है दैट इज लेजियोनेला। ओके, लेजियोनेला जो है ये पहली बात कम्युनिटी एक्वायर्ड है, देन एंड ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, बाय ह्यूमिडिफाइड एयर एंड साथ में कंटेमिनेटेड वाटर की अगर हम पी ले उसको तो उसमें लेजियोनेला होता है। ये मोस्टली देखा जाता है इन आईसीयू पेशेंट्स, ठीक है, मतलब जिन पेशेंट्स में आईसीयू की कंडीशंस है या कार्डियक या रीनल डिजीज है उनमें मोस्टली लेजियोनेला की वजह से निमोनिया देखा जाता था। इट कैन बी अ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एज वेल एज वी कैन से वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। सो मोस्टली सीन इन पेशेंट्स विथ आईसीयू कंडीशन और कार्डियक रीनल इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज या फिर हिमेटोलॉजिक डिजीज में। सो लेजियोनेला के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। और अगर हम यूजुअल कंडीशन की बात करें तो लेजियोनेला आप माइक्रो में भी पढ़ेंगे कि पॉन्टियक फीवर भी लेजियोनेला ही कॉज करता है, ठीक है, दैट इज़ द टाइप ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड साथ में ये कभी कभी जेजी सेल्स का भी डैमेज कर देता है। ओके, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई बाय सिल्वर स्टेनिंग। सिल्वर स्टेनिंग से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड साथ में अगर हम कल्चर करें इसको तो वी कैन कल्चर इट इन सिस्टीन कंटेनिंग मीडिया। ओके, सिस्टीन कंटेनिंग मीडिया में हो सकता है एंड साथ में फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं स्प्यूटम में, तब भी आपको पता चल जाएगा कि लेजियोनेला है क्योंकि वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। सो गिव्स पॉजिटिव फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट ऑन स्प्यूटम। अगर हम सिस्टीन कंटेनिंग मीडिया की बात करें तो हमें इस तरीके का कल्चर मिलता है लेजियोनेला का। बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक इसलिए क्योंकि ये चारकोल मीडिया है जिसमें सिस्टीन प्रेजेंट है। ओके, एंड बाकी ये सब क्या है जो हम देख पा रहे हैं ग्रेश कलर में, लेजियोनेला। ओके, सो अब हम आते हैं हॉस्पिटल कंडीशंस में कि अगर पेशेंट आपके यहाँ पर आता है तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन आप क्या क्या करेंगे। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें तो एक तो आपको मिलेगा टैकीकार्डिया, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, सो इट विल बी टैकीकार्डिया। एंड साथ में फीवर तो हो गई, वो भी हाई ग्रेड फीवर। ओके, सो हाई ग्रेड फीवर और हाइपरथर्मिया एंड
क्योंकि साइंस होंगे कंसोलिडेशन के, क्योंकि सिर्फ टिपिकल निमोनिया में ही कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो उन साइंस की वजह से हमें जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, इंस्पेक्शन में जब हम देखेंगे तो चेस्ट जो होगी वो नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत वाली नहीं होगी। इसलिए इंस्पेक्शन में देयर विल बी नथिंग। जब हम पाल्पेशन करेंगे सो पाल्पेशन में क्या होगा कि टेक्टाइल फर्माइटिस बहुत ज़्यादा होगा, इंक्रीज टेक्टाइल फर्माइटिस। टेक्टाइल फर्माइटिस क्या होता है कि हमें लो फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन मिलती है, ठीक है। जब हम पालपेट करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट के चेस्ट पे हमें लो फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन मिलती है, ठीक। इससे हम पता लगा सकते हैं कि एयर कितनी है चेस्ट में एंड साथ में डेंसिटी क्या है टिश्यू की विद इन द लंग, प्रेजेंट विद इन द लंग, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप 99 बोलिए या फिर ब्लू बैलून बोलिए। तो जब पेशेंट 99 और ब्लू बैलून बोलता है एंड तो हमें क्या मिलता है, टेक्टाइल फर्माइटिस बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ओवर ब्रोंकाई इन फ्रंट एंड बिटवीन द स्कैपुला एट द बैक ऑफ द चेस्ट। सो ओवर ब्रोंकाई इन फ्रंट, ठीक है, फ्रंट से जब आप पाल्पेशन करेंगे तब ब्रोंकाई के यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेक्टाइल फर्माइटिस मिलेगा एंड साथ में बिटवीन द स्कैपुला। इन बैक ऑफ चेस्ट नेक्स्ट जब हम उनमें परकशन करते हैं सो परकशन के टाइम पर हमें डल साउंड आती है, जबकि नॉर्मली क्या साउंड होनी चाहिए, रेजोनेंट साउंड होनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड है तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो रखा होगा। सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से जो साउंड आएगी वो डल साउंड होगी, जबकि नॉर्मली क्या होनी चाहिए, रेजोनेंट, क्योंकि एयर प्रेजेंट होती है नॉर्मल पेशेंट में तो उसकी वजह से रेजोनेंट परकशन हमें मिलता है, ओके। अब हम आते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन हम स्टेथोस्कोप के साथ करेंगे, तो साथ में करेंगे तो हम पहले देखेंगे उनमें ब्रेथ साउंड। तो ब्रेथ साउंड हमें अलग तरीके की मिलेगी नॉर्मल से। पहले तो क्या मिलेगी कि ब्रोंकियल साउंड हमें मिलेगी, ठीक है, ब्रोंकियल साउंड मिलेगी। ब्रोंकियल साउंड में होता क्या है कि जो एस्पायरेशन होता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो होगी वो सांस लेने की प्रक्रिया से ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। सो एस्पायरेशन लॉन्गर देन इंस्पायरेशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर हम ऐसा देखें ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ये नॉर्मल पेशेंट ने इंस्पायर किया, ठीक है, एंड ये उसका एस्पायरेशन रेट है, ठीक है, ये नॉर्मली देखा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, वेसिकुलो, बट ब्रोंकियल पेशेंट्स में क्या होगा कि उनकी इंस्पायरेशन रेट तो नॉर्मल होगी बट उनकी जो एस्पायरेशन रेट होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंस्पायरेशन, ओके। सो विथ द ब्रोंकियल मिलेगा नॉर्मली वेसिकुलर होता है, साथ में जब इसमें हम एगोफोनी करेंगे तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि स्पेलिंग शुरू हो रही है ई से लेकिन हम प्रनन करते हैं ए के थ्रू, एगोफोनी। सो जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप ई ई ई ई कहिए तो वो साउंड कैसे करेगा, ए ए ए की तरह, ओके। जब आप सुनेंगे पेशेंट को बैक से बिहाइंड द पेशेंट, जब आप स्थेथ से सुनेंगे तो पेशेंट को कहिए कि ई ई ई विस्पर करे, बट हमें जो साउंड आएगी वो क्या होगी, ए ए ए, ओके। सो दिस इज द एगोफोनी। एंड ये कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलती है, इन कंसोलिडेशन। देन ब्रोंकोफोनी,
सो ब्रोंकोफोनी में क्या होगा कि जब पेशेंट विस्पर कर रहा होगा कुछ भी, तो पेरिफेरी ऑफ लंग में आपको ज़्यादा साउंड मिलेगी कंपेयर टू द सेंटर ऑफ लंग. मतलब एक तरीके से कि नॉर्मल पेशेंट में सेंटर ऑफ लंग में ज़्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है, विस्परिंग के टाइम पर, एंड पेरिफेरी में कम मिलता है. लेकिन निमोनिया पेशेंट्स में कंसल्टेशन स्टेज पे क्या होता है कि इस टाइम पर जब विस्परिंग होती है तो पेरिफेरी में एज वेल एज इन सेंटर में, दोनों में जो साउंड होगी वो लार्ज होती है या लाउड होती है. ओके, सो विस्परिंग रिमेन लाउड इन पेरिफ्री एज इन सेंटर ऑफ लंग. जैसे सेंटर में होती है वैसे पेरिफ्री में भी हमें लार्ज साउंड मिलेगी. एंड इसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलो कि वो विस्पर करे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. जैसे जैसे वो विस्पर कर रहा होगा वैसे ही साउंड जो होगी सेंटर ऑफ लंग में भी उतनी होगी एंड पेरिफेरी ऑफ लंग में भी सेम होगी, लाउड होगी, ठीक है. फिर जब एडवेंटिशियस कंडीशन आ जाएगा केस हो तो इसमें हमें क्रैकल मिलता है, क्रैकल साउंड मिलती है, गड़गड़ गड़गड़ टाइप की, ठीक है, टूटने जैसी. सो क्रैकल साउंड जो होती है हमें लेट इंस्पिरेटरी फेस में सुनने को मिलती है. सो हर्ड ड्यूरिंग लेट इंस्पिरेटरी फेस. ठीक है, इसके दो कंडीशंस होती है. अगर ये क्रैकल साउंड अर्ली इंस्पिरेटरी फेज में मिल रही है तो उनकी कंडीशंस कुछ अलग होती है, और अगर लेट इंस्पिरेटरी फेज में मिल रही है तो जो डिजीज़ होती है वो अलग होती है. अगर अर्ली में मिल रही है तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर ब्रोंकियलाइज्मा हो सकता है. या फिर एम्फाइसीमा हो सकता है. एंड अगर लेट इंस्पिरेटिव फेज में मिल रही है तो फाइब्रोसिंग एल्वियोलाइटिस या फिर इंट्रा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया एस्बेस्टोसिस. मतलब क्रैकल साउंड समझे जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं. तो जो उनका इंस्पायरेटरी फेज होता है अर्ली इंस्पायरेटरी फेज में हमें क्रैकल साउंड मिल जाती है, बट जो निमोनिया पेशेंट होंगे उनमें जो लेट इंस्पायरेटरी फेज होगा इसमें क्रैकल साउंड मिलेगी. डन. नाउ वी कम टू द लैब डायग्नोसिस. हम इसको कैसे पहचानेंगे लैब में, CBC करवाएंगे पेशेंट को, कहेंगे कि CBC कर कर आए. CBC में हमने जैसे ही वैसे ही कहा कि लंग्स में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे इसलिए हमें CBC रिपोर्ट में भी ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा. दैट इज इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे या फिर न्यूट्रोफीलिया कह सकते हैं, है ना. उसके साथ ही जो ESR होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होगा, ठीक है. स्प्यूटम के एनालिसिस हम करेंगे, अगर वो ग्राम स्टेन्ड है तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे उन पे या फिर कल्चर मीडिया लगाएंगे, है ना. सो स्प्यूटम एनालिसिस, ग्राम स्टेनिंग, कल्चर या फिर जो प्लूरल इफ्यूजन है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो इन सब से हमें डायग्नोसिस मिल जाएगा हमारा. रेडियोलॉजी की बात करें तो रेडियोलॉजी हमें दो टाइप की मिलेगी, जैसे इस पिक्चर में देखने को मिल रही है. ये चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, इसमें हमें एक साइड तो दिख रहा होगा कि नॉर्मली ब्लैक है ना, बट एक साइड में क्या है, वाइट
हो रखा है, जबकि नॉर्मली ब्लैक होना चाहिए बट इसमें हमें वाइट दिख रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि कंसोलिडेशन हो रखा है ना, कोई सॉलिड चीज़ है, जो सॉलिड चीज़ की वजह से वाइट बैकग्राउंड आता है ना, एंड अगर एयर है तो उसकी वजह से ब्लैक बैकग्राउंड आता है। सो इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई, लोबर निमोनिया। दिस इज लोबर निमोनिया, जिसमें एंटायर लोब जैसे हम देख पा रहे हैं कंसोलिडेट हो रखा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, जैसे हम सेकेंड चेस्ट एक्सरे देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एरिया जो है, जैसे ये हल्का हल्का देख पा रहे होंगे कि ब्लैकिश भी है वाइटिश भी है, ये तो एक तरीके से नॉर्मल आप कह सकते हो, हल्का नॉर्मल। और अगर इस कंडीशन में देखें तो हल्का वाइटिश भी है, हल्का ब्लैकिश भी है ना। सो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पैची अपीयरेंस टाइप हो रहा है ये, इसलिए ये क्या हो गया, ब्रोंको निमोनिया। डन, दिस वॉज द रेडियोलॉजी। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या हुआ, ट्रीटमेंट जो होगा वो दो टाइप के हैं, या तो इट कैन बी एम्पेरिकल और ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक। एम्पेरिकल तब होता है जब ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो निमोनिया करने वाला, एंड ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मतलब जब ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो। तो हम पहले लेते हैं ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जैसे हमने ले लिया जो सबसे मोस्ट कॉमन है, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकल है ना। सो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, हम इसमें दवाइयाँ दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। देन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, साथ में स्टाफिलोकोकस ओरियस में हम क्या क्या दे सकते हैं उसको, रिमफेप्सिन और वैंकोमाइसिन। थर्ड ऑर्गेनिज्म क्लेब्सियला, क्लेब्सियला में हम दे सकते हैं सिफोटेक्साइम। शुडोमोनास, शुडोमोनास में हम दे सकते हैं एंटी शुडोमोनास ड्रग जितनी भी होंगी है ना, कौन कौन सी, पेनिसिलिन और फ्लोक्सासिन साथ में क्या देनी है, अमीनो ग्लाइकोसाइड। सो दिस कॉम्बो इज एक्चुअली एंटी शुडोमोनास। लास्ट है लेजियोनेला। लेजियोनेला जैसे हमने कहा कि हम मोस्टली इसको कंडीशंस में देखेंगे एंड आईसीयू पेशेंट्स में भी मिलेगा, इसलिए हम क्या देते हैं, फ्लूरो क्यूनिलॉन, फ्लूरो क्यूनिलॉन देनी है इन पेशेंट्स में फॉर 2 to 3 weeks। ठीक है, तो ये थे सारे ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट पे। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो दो पे डिवाइड हो सकते हैं, इट कैन बी आईपीडी और इट कैन बी ओपीडी। ओके, आईपीडी की बात करते हैं अपन। तो आईपीडी अगर नॉन आईसीयू पेशेंट है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड है निमोनिया, तो उसमें क्या दे सकते हैं, फ्लूरो क्यूनिलॉन। ठीक है, एंड क्या दे सकते हैं, बीटा लैक्टम
प्लस मैक्रोलिड। अगर आईसीयू पेशेंट है, आईसीयू पेशेंट को हुआ है, तो उसमें हम क्या देंगे, फ्लूरो क्यूनिलॉन प्लस बीटा रेक्टम, जैसे लेजुनाला में है ना। साथ में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो अब पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया है ना, तो उस स्ट्रेन में, स्टिफाइलोकोकस की स्ट्रेन में हम देंगे वैंकोमाइसिन एंड लिनेजोइड, ठीक है। तो अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टिफाइलोकोकस स्ट्रेन है अब, है ना, तो उसमें हम देंगे वैंकोमाइसिन और लिनेजोइड। तो ये था आईपीडी पेशेंट्स में जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिटेड है ना। ओपीडी पेशेंट्स की बात करते हैं अपन। अब ओपीडी पेशेंट्स भी दो उसमें हैं, एक तो है विथ नो मॉडिफाइंग फैक्टर और इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में हम नॉर्मली क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, मैक्रोलिड दे सकते हैं, डीऑक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, जिस वजह से सिम्टम्स जो है वो अपने आप गायब हो जाए, है ना। सो एजिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलिड और डीऑक्सीसाइक्लिन, एंड अगर कोई मॉडिफाइंग फैक्टर है, मॉडिफाइंग फैक्टर जैसे एज है या दूसरी कॉम्प्लिकेशन है या डिजीज़ है, तो उस टाइम पर हम क्या दे सकते हैं, जैसे अगर एज है मोर देन और इक्वल टू 65 और अल्कोहलिक है पेशेंट, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट है, या फिर रेजिस्टेंट है बीटा लैक्टम के, सीओपीडी कंडीशन है उसकी, या फिर डायबिटीज़ है, तो इस कंडीशन में हम उसको सिर्फ एक ही ड्रग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ फ्लूरो क्यूनिलॉन। सो ये ट्रीटमेंट हम देंगे जितने भी टिपिकल निमोनिया की वजह से प्रॉब्लम में है पेशेंट्स, ठीक है। ए टिपिकल निमोनिया की हमने जैसे बात करी है, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब जैसे समझ लीजिए कि ये नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एंड एक एल्वियोलाई मान लीजिए कि जैसे नॉर्मल एल्वियोलाई में ये कैपिलरीज आ गई है ना एक्सचेंज के लिए, बट जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा इंटरस्टिशियल, तो एल्वियोलाई जो होंगी उनके साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या हो गया है, इनफिल्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन, अगर इनफिल्ट्रेशन आ गया है तो उसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है एंड एटिपिकल निमोनिया कॉज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टिपिकल निमोनिया को डिस्टिंग्विश भी करेगा, ओके। सो एटिपिकल निमोनिया में हमें मिलेगा लो ग्रेड फीवर, टिपिकल निमोनिया में क्या था, हाई ग्रेड फीवर, इसमें लो ग्रेड फीवर होगा, मतलब नॉर्मल फीवर जो होता है। साथ में क्योंकि इसमें अब कोई भी एग्जुडेट फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, एग्जुडेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कफ क्या होगा, ड्राई कफ, साथ में माइल्जिया हो सकता है, ठीक है, माइल्जिया और मेलाइज है ना, मतलब मसल पेन हो रहा हो,
कोई साइन नहीं होंगे कंसल्टेशन के, क्योंकि एल्वियोलर एक्सुडेट प्रेजेंट नहीं है, एल्वियोलर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, सो नो साइन ऑफ कंसोलिडेशन। और साथ में जॉइंट पेन भी हो सकता है, नो एल्वियोलर एक्सुडेट जैसे हम कह ही रहे हैं ना। सो ये सारे क्या फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं ए टिपिकल निमोनिया के, राइट। लो ग्रेड फीवर होगा, साथ में ड्राई कफ होगा, तो ये दो चीज़ है जो आपको याद रखनी ही रखनी है कि ये ए टिपिकल निमोनिया है या फिर टिपिकल निमोनिया है। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने कहा था ये नॉन बैक्टीरियल है, इसका मतलब बैक्टीरिया के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कॉज कर रहे हैं ना। सो पहला है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है ये मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में, ओके। सो मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी कि IgM बॉडी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, इंक्रीज IgM होगा। साथ में पेशेंट को ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। एंड ये मोर प्रेफरेबल है या बहुत ज़्यादा देखा जाता है मेल्स में कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। नेक्स्ट है क्लैमिडिया। क्लैमिडिया जो है ये बायफेजिक इलनेस दिखाता है, ठीक है, बायफेजिक इलनेस दिखाता है, दो फेज में होगी। कैसे कि इसमें पेशेंट को पहले तकलीफ होंगी फेरेंजाइटिस, ठीक है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो फेरेंजाइटिस, हॉर्सनेस, ठीक है, फेरिंग्स में हो गया है, उसकी वजह से लैरिंग्स में भी थोड़ा असर पड़ेगा, वॉइस जो होगी वो हॉर्सनेस है ना चेंज हो जाएगी, ओटाइटिस, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है उसको, एंड उसके बाद जाकर इसको क्या होगा, निमोनिया। तो अगर किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लगे कि पहले उसको दूसरे सिम्टम्स थे एंड उसके बाद निमोनिया हुआ है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, क्लैमिडिया। ये सेकंड कॉज है अगर हम कॉमनली बात करें जनरल, तो ये सेकंड कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, ठीक है, मतलब अगर हम जनरल वे में बात करें। देन इट इज़ न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसा। इसमें क्या है, ये एक तरीके का फंगाय है, ओके, फंगाय है, एंड ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है HIV पेशेंट्स को। HIV पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा निमोनिया अगर हो रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, न्यूमोसिस्टिस, ठीक है। सो ये भी एक बात है जो याद रखने की है, मोस्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। एंड इसका डिटेक्शन भी कैसे करते हैं अपन, बाय सिल्वर स्टेनिंग। लेजोनेला के लिए यूज़ करी थी, वैसे ही न्यूमोसिस्टिस ज़ीरोवेसाई के लिए भी हम यूज़ करते हैं सिल्वर स्टेनिंग। लास्ट है कॉक्सिएला बर्नेटी। कॉक्सिएला बर्नेटी में इन्फेक्शन जो होता है वो विदाउट वेक्टर होता है, एंड ये आर फीवर भी कॉज करता है अगर हम सिंपली वे में बात करें तो, इन्फेक्शन विदाउट वेक्टर एंड कॉज आर फीवर जनरली, माइक्रो में पढ़ेंगे, है ना। फिर हम आते हैं वायरसेस पर। अब कौन कौन से वायरसेस हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे हमने कहा इन्फ्लुएंजा वायरस दो टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। उसमें से टाइप ए जो होता है वो मोस्टली कॉमन होता है, ठीक है, ये ए टिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं। एंड जिस पेशेंट को ए टिपिकल निमोनिया हो गया है बाय इन्फ्लुएंजा, उसमें रिस्क होता है कि वो स्टिफेलोकोकस
ओवेरियस इन्फेक्शन भी हो जाए उस पेशेंट को। ठीक है, तो इन्फ्लुएंज़ा क्या करता है कि अगर इन्फ्लुएंज़ा की वजह से कोई भी एटिपिकल निमोनिया कॉज हुआ है तो रिस्क है कि बाद में सेकेंडरी मतलब स्टेफेलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन कॉज स्टेफेलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन एज वेल आफ्टर निमोनिया। एंड इसमें कोई भी एंटी पायरेटिक ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, नो एंटी पायरेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर है रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस। रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस जो होता है वो कोई भी एज ग्रुप को कर सकता है इनफैक्ट, बट मोस्टली कौन होते हैं, चिल्ड्रन। मोस्टली चिल्ड्रन में निमोनिया देखा जा सकता है रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस की वजह से। ये और भी कॉजेस कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं सीवियर। सो कौन कौन से, ऑल्सो कॉज सीवियर इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया, दोनों एक साथ हो सकते हैं इसकी वजह से। एंड ये जब हम इसकी फाइंडिंग करते हैं या क्लिनिकल फीचर्स या कुछ भी देखेंगे तो हमें इसका लिंक एक तरीके से लगेगा कि ये सिमिलर है ह्यूमन एमपीवी इन्फेक्शन के जैसे, तो सिमिलर होते हैं एक तरीके से जब हम इसकी फाइंडिंग करते हैं तो। नेक्स्ट है साइटोमेगेलो वायरस। साइटोमेगेलो वायरस जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है निमोनिया, पता है। एंड ये वन ऑफ द मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का इन एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड लंग ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स। सो निमोनिया तो कॉज करता है एंड इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डेथ भी कॉज होती है साइटोमेगेलो वायरस की वजह से, बट उन्हीं पेशेंट्स में जिनका अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। या फिर लंग ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, इन पेशेंट्स में निमोनिया भी मिलता है और साथ में इनकी डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। ओके, ये इम्यूनोकॉम्प्रेस या इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स मोस्टली किस वजह से होंगे, एचआईवी या एड्स की वजह से। ठीक है, सो एचआईवी पेशेंट्स में भी निमोनिया साइटोमेगेलो वायरस की वजह से मिलेगा मोस्टली। एंड इसकी फाइंडिंग में हम देखेंगे कि इसमें एक आउल आई अपीयरेंस है, प्रेजेंस ऑफ आउल आई इंक्लूजन। हॉजकिन लिम्फोमा में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसमें भी एक तरीके से आउल आई इंक्लूजन मिलता है ना, रीड चनबक सेल्स मिलते हैं वो भी आउल लाइक अपीयरेंस देते हैं। फिर है मीजल्स वायरस। मीजल्स वायरस जैसे पता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के उनमें ज़्यादातर मीजल्स होते हैं बचपन में, इसलिए उनको वैक्सीन भी दी जाती है। एंड ये जो मेजर कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं वो क्या होती है, निमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीज़ल वायरस की क्या होती है, निमोनिया। एंड मोस्टली चिल्ड्रंस की जो डेथ होती है मीज़ल वायरस की वजह से वो निमोनिया होने की वजह से ही जाती देखी जाती है, एंड मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन। इसकी जब फाइंडिंग करेंगे पेशेंट में तो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ वॉर्थेन
फेंकेल्डी सेल्स एंड साथ में कॉम्प्लेक्स सेल्स। ठीक है, अगर पेशेंट में कॉम्प्लेक्स सेल्स प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ी फाइंडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स फाइंडिंग होती है, ये चिल्ड्रन में देखने को मिलती है ड्यू टू द मीजल्स। ओके, सो ये थे सारे हमारे मीजल्स या मतलब जितने भी वायरसेस थे एंड नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एटिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं। अब अगर हम फिज़िकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिज़िकल एग्जामिनेशन सेम होगा, टैकीकार्डिया होगा, बट हाइपरथर्मिया नहीं मिलेगा हमें, फीवर मिलेगा नॉर्मल। ठीक है, साथ में विस्परिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्रोंकोफोनी मिलेगी, ठीक है, ब्रोंकोफोनी मिलेगी, विस्परिंग बहुत ज़्यादा होगी, ये सारे फिज़िकल एग्जामिनेशन में। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस भी इसका सेम है, जब सीबीसी करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो लिम्फोसाइटोसिस, एंड न्यूट्रोफीलिया, न्यूट्रोफीलिया होगा पर कम होगा थोड़ा। ठीक है, कंपेयर टू टिपिकल निमोनिया कम होगा न्यूट्रोफीलिया, बट ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे काउंट में। सेम ईएसआर करेंगे, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए करेंगे, लंग बायोप्सी करेंगे, एंड लंग बायोप्सी में हम क्या प्रेफर करेंगे, पीसीआर, क्योंकि हमें अगर क्या ढूंढना हो, वायरस ढूंढना हो तो डन। एंड रेडियोलॉजी की बात करें तो ये है हमारा इंटरस्टीशियल निमोनिया, एक तरीके से इसको हम बोलते हैं एटिपिकल निमोनिया और वायरल निमोनिया और इंटरस्टीशियल निमोनिया। इसमें हम जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत लाइटली, जैसे इसमें देखिए कि ब्लैक बैकग्राउंड में आपको एक रस्सी जैसा कुछ दिख रहे होंगे, लाइक रोप्स दे आर और लाइक स्पाइडर वेब टाइप, है ना। तो ये किस वजह से हैं सारे, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन हो गया है ना, इंटरस्टीशियल इन्फ्लामेशन हो गया है, इसकी वजह से एल्वियोलाई कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे, उनकी साइज़ में बढ़ गए होंगे एल्वियोलाई। ठीक है, सो दिस इज सीन इन वायरल निमोनिया मोस्टली। ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन, तो ट्रीटमेंट में अगर क्लैमी डोफीलिया है कॉज, तो क्लैमिडोफीलिया के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको, टेट्रासाइक्लिन। अगर फंगाय है कॉज, दैट इज न्यूमो सिस्टिस, तो उसके लिए हम डोज बढ़ा देते हैं। ठीक है, देंगे तो टेट्रासाइक्लिन ही, बट डोज बढ़ा दी जाएगी उसकी। ओके, एंड मोस्ट कॉमन अगर माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा में हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, बीटा लैक्टम हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम क्या देंगे, और हम दे सकते हैं एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है तो इन्फ्लुएंजा वायरस में हम देते हैं उसको न्यूरो एमिनिडेज इनहिबिटर, ठीक है, कौन सा, ऑसिलेमिविर। इन्फ्लुएंजा में क्या देते हैं, न्यूरो एमिनिडेज
इनहिबिटर, ओके कौन सा? असल टेमिविर, ठीक है, ये ध्यान रखने का था ट्रीटमेंट। अब अगर हम कॉमन बात करें निमोनिया को लेकर ही, ठीक है, टिपिकल निमोनिया हो गया, एटिपिकल निमोनिया हो गया, एक्वायर्ड निमोनिया जितने भी थे सब हो गए। अगर हम कॉमन बात करें तो हम एक कॉमन देखते हैं सीवियरिटी, हर पेशेंट से सीवियरिटी हो जाती है, चाहे वो पेन हो या कोई डिजीज़ के वजह से हो। तो सीवियरिटी में क्या, इसका एक फार्मूला है CURB curve 65, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि हर पॉइंट के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे या 1 पॉइंट होगा हर उसके लक्षण के लिए जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर CURB शॉर्ट फॉर्म है ना, सी मतलब कन्फ्यूजन, यू मतलब यूरिया, अगर मोर देन उसके नॉर्मल वैल्यू से, अगर मोर देन 7 mmol/L से ज़्यादा है, आर रेस्पिरेटरी रेट, अगर मोर देन 30 per minute है, एंड BP अगर कम है, ठीक है, BP अगर कम है कितना, 90/60 mmHg, ये सिस्टोलिक के लिए एंड ये डायस्टोलिक के लिए, ठीक है। तो क्या क्या है फैक्टर, CURB एंड 65 का क्या मतलब है कि अगर एज जो है वो मोर देन इक्वल टू 65 है, तो इन सारी कंडीशंस के हिसाब से हम पेशेंट की सीवियरिटी देखते हैं। अगर पेशेंट को कन्फ्यूजन है या फिर अगर उसका यूरिया जो है मोर देन 7 mmol/L प्रेजेंट हो रहा है रिपोर्ट में, रेस्पिरेटरी रेट अगर हम फाइंड करते हैं अगर मोर देन 30 per minute है, नॉर्मल रेट से डबल उसकी भी ज़्यादा है, एंड अगर लो BP है पेशेंट का 90/60 mmHg है, तो हम 1 मार्क्स देंगे हर उस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब पॉइंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मोस्टली अभी कोरोना वायरस के चक्कर में भी करा ही होगा, बहुत लोगों ने अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने के लिए पॉइंट दिए होंगे ये जानने के लिए कि वो नॉर्मल है या स्ट्रेस है और ड्यू टू इट्स वायरस और एनीथिंग है। तो उसी प्रकार अगर 0 to 1 स्केल आता है, पॉइंट मिलते हैं, तो इट कैन बी सॉल्व बाय गिविंग एंटीबायोटिक और बाय होम ट्रीटमेंट। अगर 2 पॉइंट्स है सीवियरिटी के तो हॉस्पिटल थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, मोर देन 3 है अगर पॉइंट्स तो इसका मतलब सीवियर अनीमिया भी है पेशेंट को, ठीक है, एंड इट कैन लीड टू डेथ। सो दिस सीवियरिटी स्केल इज एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर द निमोनिया पेशेंट्स, ठीक है, CURB 65, CURB 65 ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, निमोनिया की कॉम्प्लिकेशंस भी होगी, अगर निमोनिया बहुत टाइम तक रहा तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, लंग एप्सिस, ठीक है, क्यों होगा, ड्यू टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन, एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा एंड साथ में क्या होगा, अगर नेक्रोसिस हो रहा हो तो। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है उसको, प्लूराइटिस, जो टिपिकल निमोनिया में हमने एक क्लिनिकल फीचर देखा था, साथ में क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन, पायोथोरेक्स, पायोथोरेक्स में क्या होगा कि जब पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन भी हो एंड साथ में
हीलिंग हो रखी हो उसकी बाय एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस। तो उस कंडीशन को नाम दिया है पायोथोरिक्स एम्पाइमा। सिक्स कंडीशन हो सकती है ARDS, चिल्ड्रन में देखने को मिल सकती है, हाइपोटेंशन, लो बीपी जैसे सीवियरिटी का पॉइंट भी है एक वो, ठीक है। और क्या हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस और मेनिनजाइटिस और सुपुरेटिव ऑथराइटिस, ठीक है। अगर बैक्टीरिया हो गया उसको तो उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है हार्ट वॉल्स की में, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है पेरिकार्डियम में, एंड मेनिनजाइटिस भी हो सकता है, रेयरली होता है वैसे तो बट हो सकता है, एंड सुपुरेटिव ऑर्थराइटिस भी हो सकता है। एंड एट लास्ट मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हर उसमें, दैट इज़ डेथ। तो ये सारी क्या थी कॉम्प्लिकेशंस। नाउ वी टॉक अबाउट द एस्पायरेशन निमोनिया। एक तरीके से ये भी हो सकता है, ये भी एक तरीके की कॉम्प्लिकेशन ही है। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है कि इसमें बार बार ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके का निमोनिया जिसमें बार बार एपिसोड हो रहे होंगे एस्पायरेशन के या फिर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के बाय अ फॉरेन बॉडी। सो ओवर्ट एपिसोड ऑफ एस्पायरेशन और ब्रोंकियल निमोनिया, सॉरी ब्रोंकल ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ फॉरेन बॉडी। ये कंडीशन जो होती है एस्पायरेशन निमोनिया, ये कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो मोस्टली देखी जाती है एल्कोहलिक्स में। अगर उनको निमोनिया हो गया है तो हो सकता है उनको एस्पायरेशन निमोनिया की भी चांसेस हो, ठीक है। नॉक्चुरल इसोफेजियल रिफ्लक्स, जिन पेशेंट्स को रात में बार बार लगता हो कि इसोफेजियल रिफ्लक्स हो रहा है या फिर सोते सोते उनको बार बार लग रहा हो कि कुछ बाहर आ रहा है या मुंह में आ रहा है ना, एपिलेप्सी पेशेंट्स में भी हो सकता है ये वापस, ठीक है। यूजुअली एनएरोब होता है, सो दिस इज द एस्पायरेशन निमोनिया। एंड अगर हम निमोनिया की प्रिवेंशन की बात करें तो सिंपली बात कर सकते हैं हम वैक्सीन्स की, जो जैसे मीजल्स के लिए है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हम दे सकते हैं बचपन में ही वैक्सीन, जिसकी वजह से निमोनिया ना हो आगे जाकर। देन तो इधर हम कंप्लीट करते हैं अपना निमोनिया, ठीक है। एंड नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 35 ईयर ओल्ड मेल, उसको फीवर है एंड साथ में कफ है, ठीक है, फीवर एज वेल एज कफ। ही वॉज वेल अंटिल 3 days अर्लियर वैन ही सफर्ड द ऑनसेट ऑफ नेजल स्टिफनेस, माइल्ड सोर थ्रोट, कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर स्प्यूटम। तो इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली, एक तो फीवर है और कफ है, और कफ कैसा है, प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। टुडे ही डिसाइडेड टू सीक द फिजिशियन
रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज टेम्परेचर टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है उसको, एंड स्पाजम ऑफ कफिंग दैट प्रोड्यूस प्यूरुलेंट सिक्रीशंस, सिक्रीशन हो रहे हैं, प्यूरुलेंट सिक्रीशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर बॉडी में क्या हो, एक्ज्यूडेट प्रेजेंट हो, है ना। तो निमोनिया कौन से टाइप का हो गया, ये टिपिकल निमोनिया। ऑन वन ओकेजन ही नोटेड अ फ्यू फ्लेक्स ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन हिज स्प्यूटम, ठीक है। द पेशेंट हैज़ एन हिस्ट्री ऑफ फैमिलियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशंस और नो हिस्ट्री, ओके, और ट्रॉमा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ निमोनिया डज द पेशेंट हैव, टिपिकल निमोनिया, बट टाइप क्या हो गया वो, एक तरीके से कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया उसको, एंड कौन सा, दैट इज टिपिकल निमोनिया। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली कॉजेस कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कौन सा था जो मोस्टली कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो मोस्ट कॉमनली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज सूटेबल इन दिस केस, क्या देंगे हम इसमें, बीटा लैक्टम दे सकते हैं, बीटा लैक्टम जैसे एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, है ना, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा इसका, राइट। तो हम क्या देखते हैं, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं अगर स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से है तो, एमोक्सिसिलिन, ओके, या फिर पेनिसिलिन, अगर वो रेजिस्टेंट नहीं है पेनिसिलिन के तो हम पेनिसिलिन भी दे सकते हैं। डन, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज अ 29 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विथ कफ एंड ड्राई कफ, फीवर एंड ड्राई कफ, ठीक है। ड्राई कफ आ गया, इसका मतलब ही कौन सा है, निमोनिया, ए टिपिकल निमोनिया, विच बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2 डेज। शी इज़ एन इंग्लिश टीचर इन पब्लिक स्कूल, शी लव्स हर वर्क, बट द ओनली इशू इज शी हैड इज़ दैट द प्लेस इज सो क्राउडेड। इसका मतलब बस इतना था कि अगर क्राउडेड प्लेस है तो रीज़न क्या हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, राइट। सो वॉट ऑर्गेनिज्म वुड कॉज हर निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, ए टिपिकल निमोनिया, ध्यान रखना क्या है, ए टिपिकल निमोनिया ये, इट विल बी माइकोप्लाज्मा निमोनिया। सेकेंड क्वेश्चन है, डू बीटा लैक्टम्स वर्क इन हर केस, व्हाई। माइकोप्लाज्मा निमोनिया ए टिपिकल है, ठीक है, एक तरीके से नॉन बैक्टीरियल है, बट इसमें बीटा लैक्टम वर्क नहीं करती है, नो, क्यों, रीज़न ये है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया की सेल वॉल नहीं होती है, ओके, नो सेल वॉल, एंड जो बीटा लैक्टम होते हैं, एक तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो एक्ट होती है, वो एक्ट करती है पेप्टिडोग्लाइकन जो प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल पे बैक्टीरिया की, है ना, मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, एंड माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल होती है वो बनती ही नहीं है, वो होती ही नहीं है, है ना। तो इस वजह से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन क्यों, क्योंकि बीटा लैक्टम क्या करती है, इनहिबिट कर देती है सिक्रीशन पेप्टिडोग्लाइकन का, जो कि मेन कॉम्पोनेंट है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वॉट एंटीबायोटिक इज सूटेबल फॉर हर, ठीक है, बीटा लैक्टम जैसी एंटीबायोटिक्स हम नहीं दे सकते हैं, इसमें एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, बट या एमोक्सिलिन नहीं दे सकते, तो इसलिए हम इसमें क्या देंगे, वी विल गिव द मैक्रो लाइट ड्रग, ठीक है, एंड इफ
अगर हम एमोक्सिसिलिन देते भी हैं उसको या एजिथ्रोमाइसिन नहीं दे सकते, बट अगर हम उसको एमोक्सिसिलिन देते हैं तो उसको हमें कॉम्बिनेशन भी देना पड़ेगा, कौन से, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेरीथ्रोमाइसिन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक 43-year-old मेल है सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड सोर थ्रोट विच ही डेवलप्स ग्रेजुअली व्हेन केम टू द हॉस्पिटल टू सीक दी हेल्प। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉजेटिव एजेंट इन हिज केस। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, और जब वो हॉस्पिटल आया उसके बाद उसको सोर थ्रोट एंड हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पहली बात तो ये किस तरीके का निमोनिया हो सकता है, उसको कौन सा वाला निमोनिया हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, लेजियोनेला, है ना। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं वो कौन से टाइप का निमोनिया कॉज करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी हो सकता है या फिर लेजुनेला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है उसके निमोनिया होने का। देन विद दिस वी कंप्लीट आवर